अब तक का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम कहाँ लगा था? 14 अगस्त 2010 को चीन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बीजिंग में इतिहास का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा, जो 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबा था और 12 दिनों तक चला। तब चीन को ट्रैफिक जाम की निर्विवाद रानी कहा जाता था। इस जाम की वजह से हजारों कारों की आवाजाही धीमी पड़ने लगी, जो 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हो गई और 12 दिनों तक जारी रही। ड्राइवर हर दिन मुश्किल से अपनी कारों को 1 किलोमीटर की दूरी तक ले जा पा रहे थे और कुछ ड्राइवर लगातार 5 से 6 दिनों से ज्यादा समय तक इस ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। इस ट्रैफिक जाम के कारण राजमार्ग 110 पर वाहन रुक गए तो एक अस्थायी अर्थव्यवस्था उभरी, जिसमें भोजन पानी और सिगरेट जैसी जरूरी चीजें महंगी कीमत पर उपलब्ध थी। यातायात की भीड़ भाड़ के पीछे मुख्य कारण राजधानी बीजिंग के पास बीजिंग और तिब्बत को जोड़ने वाले राजमार्ग पर कुछ काम और रखरखाव का काम था। साथ ही सड़क पर भारी ट्रकों की भीड़ बढ़ गई, जिससे राजमार्ग की क्षमता 50% कम हो गई और कुछ दुर्घटनाओं ने समस्या को और बढ़ा दिया। इस दम घोटू संकट का एक और महत्वपूर्ण कारण मंगोलिया से राजधानी बीजिंग तक कोयला ले जाने वाले ट्रकों की संख्या में वृद्धि, जहां 2009 में 6 से 2 मिलियन टन कोयला पहुंचाया गया था, जो 2010 में बढ़कर 730 मिलियन टन हो गया। वैसे गाइस, क्या इससे पहले आपको यह जानकारी पता थी? नहीं तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।